आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूले। जी हाँ, डेटाबेस के फॉर्मूले और इंफॉर्मेशन फॉर्मूले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फॉर्मूला कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमें डेटाबेस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि मुझे पूजा का जनवरी का टोटल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सम इफ लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे और अपना सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, आपका पूजा का टोटल आ जाएगा। सिंपल है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूं और मुझे मैंने यहाँ पे पूरा लिया, यहाँ पे रखा नेम, मुझे पूजा का टोटल चाहिए जो कि फरवरी में ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, मई में लेस देन 70 होना चाहिए। मुझे इसमें मान लीजिए राजू का टोटल चाहिए, राजू जिसमें मार्च में ग्रेटर देन 60 होना चाहिए और जुलाई में लेस देन 50 होना चाहिए। मुझे इसमें मान लीजिए इसमें अमर का टोटल चाहिए, अमर का ओवरऑल चाहिए। मुझे इसमें कविता का टोटल चाहिए और यहाँ पे अप्रैल में ग्रेटर देन 40 होना चाहिए। तो बेसिकली मुझे ये हमारा जो है टोटल टीम ए है, ये जो हमारा है टीम ए है, तो मुझे टीम ए का टोटल चाहिए और टीम ए का टोटल ओवरऑल यहां चाहिए। अगर आप मैनुअल लगाएं तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा सम इफ्स का फॉर्मूला और फिर इसमें एक कैटेगरिया, दो, तीन, चार, पांच, छह कैटेगरिया देना पड़ेगा, इसमें भी छह देना पड़ेगा, इसमें सिर्फ दो कैटेगरिया है, दो कैटेगरिया सिर्फ देना पड़ेगा। हो सकता है कल के डेट में चेंज हो जाए तो फिर वापस फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। सो हम सम इफ्स की मदद से इसको डायनेमिक नहीं कर सकते हैं। तो मुझे यहां अगर टोटल ऐड करना है तो हमारे पास होता है डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला, जिसमें हम बात करेंगे डी सम, डी काउंट, डी मैक्स, डी मिन, डी एवरेज, सारे फॉर्मूलेज हैं लेकिन सबका रिजल्ट अलग अलग होता है, लेकिन लगाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। पहले आप डेटाबेस को सिलेक्ट करें, फिर आप सिलेक्ट करें अपने फील्ड जिसका टोटल आपको निकालना है, वापस अपनी क्राइटेरिया को सेलेक्ट करें। ध्यान रखेंगे क्राइटेरिया में आपका हेडिंग होना चाहिए क्योंकि हेडिंग से ही कंपेयर करके और फिर वो टोटल निकाल के आपको देता है। मुझे यहां पे डी काउंट चाहिए कि टोटल है कितना, डी काउंट इसमें हमने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया, मुझे काउंट करना है टोटल को, तो हमने टोटल को ले लिया और हमने अपनी क्राइटेरिया ले लिया, एक काउंट निकाल देगा। ऐसे आपका डी काउंट ए क्या कर रहा है, डी काउंट ए आपका करता है कि अगर मान लीजिए अगर नेम को काउंट करना है आपको, तो मैं नेम ले लिया और मुझे नेम को किसको काउंट चाहिए, नेम का काउंट चाहिए और हमने क्राइटेरिया ले लिया। आपका डी मैक्स, डी मीन, ये सब वर्क करता है। मतलब कि अगर आप इफेक्ट्स पे आते हैं और यहां आप क्लिक करते हैं डेटाबेस फॉर्मूला, तो यहां पे फॉर्मूले हैं आपके डी एवरेज, डी काउंट ए, डी मैक्स, डी मीन। तो एवरेज एवरेज निकाल लेगा, काउंट काउंट करेगा, काउंट ए नंबर टेक्स दोनों का काउंट करेगा, डी मैक्स मैक्सिमम काउंट करेगा, डी मीन मिनिमम को काउंट करेगा, डी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेगा, ये स्टैंडर्ड डिविएशंस निकालेगा, सम निकालेगा और वेरिएंस निकालेगा। इसमें एक फॉर्मूला मैंने छोड़ दिया, डी गेट का फॉर्मूला। देखिए जो सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको सुनील जी या सुरेंद्र जी, सारे फॉर्मूले का लगाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए सारे फॉर्मूले मैं करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि सब एक ही जैसा तो है क्या सर। अब बात करते हैं डी गेट फॉर्मूला। ये भी लगता सेम तरीके से है लेकिन इसका रिजल्ट थोड़ा सा अलग होता है, तो इसके लिए मैं आपको यहां पे सिटी देता हूं, सिटी
मान लीजिए कि आपको मैंने बोला था कि मुझे मान लीजिए पूजा को पूजा का टोटल चाहिए, नागपुर पूजा का टोटल नागपुर में नागपुर का चाहिए, तो वी लुक का मुझे यहां पे सम नहीं करना है, मुझे यहां पे बिल्कुल सम नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें इसका क्या करना है, हमें इसका लुकअप करना है वैल्यू, तो हम इसको वी लुकअप करते हैं, वी लुकअप में आते हैं, बट वी लुकअप करेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि तो मुझे तो दो क्राइटेरिया मैच करना है, तो इसमें वी लुकअप यूज नहीं होगा, इसमें यूज होगा डी गेट फॉर्मूला, डीगेट सम इफ्स भी लगा सकते हैं ना सर, सम इफ्स से तो फिर डुप्लीकेट होगा तो दोनों का सम दिखा देगा ना, सम इफ्स से चलो आप कर लोगे सम नंबर सम कर लोगे, मान लीजिए मुझे इसका सीआरए करना है, आईडी है, कोई नंबर है, कोई एरिया है, एक कोड है, उसको सम तो नहीं कर पाएंगे आप, यस सर यस सर यस सर, तो इसके लिए हम डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, जी हम फील्ड किसका निकालना है मुझे, तो टोटल निकालना है मुझे और क्राइटेरिया क्या क्या है, यहाँ पे क्राइटेरिया मुझे हेडिंग के साथ देना होगा, मैंने क्या बोला था हेडिंग होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया, सॉरी यहाँ पे मैं डॉट लगा दिया, कॉमा लगाना चाहिए तो दिखाया, अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे हेडिंग देना होगा, तब आपका वैल्यू दिखा, बट यहाँ पे क्या हुआ कि आपको नम एरर आया, अब नम एरर क्यों आता है हम आपको अभी बता देते हैं, जी पूजा आप पूजा एम यू जेड कर देते हैं और यहाँ पे एम यू जेड आ गया 404, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका कंडीशन डुप्लीकेट हुआ तो नम एरर, ये फॉर्मूला पॉपुलर ना होने के पीछे दो रीजन था, पहला रीजन कि इसको हेडिंग भी चाहिए, बात समझे, और दूसरा कि ये वी लुकअप की तरह अगर डुप्लीकेट है तो ए जी, जी। ऐसा नहीं है इसमें, समझे, हेलो यस सर, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ ये आपका डिगेट का फॉर्मूला, अब चलिए हम कुछ इंफॉर्मेशन फॉर्मूले की कैटेगरी में बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन कैटेगरी का सबसे पहला फॉर्मूला आता है, वो आता है सेल, सेल फॉर्मूला, सेल फॉर्मूला में क्या होता है कि आप उसी की मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो फाइल नेम ले लिया तो ये आपका पूरा पाथ दिखा देगा विद फाइल नेम, स्क्रीन बंद हो गई थी सर, क्या आ गया, जिस वजह से मुझे इसका सिर्फ सीट नेम, हेलो, तो सीट नेम सिर्फ चाहिए थे, क्या करेंगे पहले तो यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे, फाइंड के फॉर्मूले में हम एक क्लोजिंग ब्रैकेट लेते हैं, स्क्वायर क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसको ऊपर लेते हैं कॉमा, तो एक क्लोजिंग ब्रैकेट का लोकेशन बता दिया, फिर मैं यहाँ पे राइट फॉर्मूला लिया, राइट फॉर्मूला में यहाँ पे लिया मैंने, और यहाँ पे हमने बोला कि लेंथ, इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस फाइंड फॉर्मूला,
तो अब यहां पे एक चीज देखिए, एग्जाम्पल बताने के पीछे हमारा रीजन क्या है। नहीं चल रही बताने की, रीजन ये है कि जो सेल फॉर्मूला है, अगर आपको अगर मान लीजिए इंडिविजुअल लगा के देखें तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन इसी फॉर्मूले को किसी और फॉर्मूला के साथ अगर हम लगाते हैं तो क्या है, इसका एक बेनिफिट है, सीट नेम देता है। सीट नेम जैसे चेंज करेंगे आपको यहां पे दिख जाएगा, समझे। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के बाकी फॉर्मूले, जैसे कि बाकी फॉर्मूले में अगर हम एफएक्स पे जाते हैं तो यहां हमारे पास इंफॉर्मेशन फॉर्मूला आता है, तो सेल हो गया, सेल बता दिया, एरर हो गया आपको, ये आपका बताता है कि एरर का टाइप कौन सा है, एनए है, नम है, या कौन सा एरर है, एरर बताता है। इन्फो आपका इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा वर्जन एक्सेल का, कौन सा विंडोज है। अब बाकी जो इच के फॉर्मूले, इच ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं, इच ब्लैंक, ब्लैंक हुआ था ट्रू, इच एरर, एरर हुआ था ट्रू, इसमें एनए कंसिडर नहीं है, बस इसमें हैश एनए कंसिडर करता है, इच इवन, इवन नंबर है तो ट्रू, इज फॉर्मूला, अगर सेल में फॉर्मूला लगा है तो ट्रू, इज लॉजिकल, अगर ट्रू फॉल्स है तो ट्रू, इज एनए है तो ट्रू, नॉन टेक्स्ट मतलब सिर्फ टेक्स्ट के अलावा कुछ और है तो ट्रू, इज नंबर, इसमें ट्रू फॉल्स कंसिडर करता है, इसमें ट्रू फॉल्स कंसिडर नहीं करता है, इज ऑड, इज इवन, इज टेक्स्ट, तो इसमें जितना आपने फॉर्मूला देखा ट्रू फॉल्स है। एन फॉर्मूला अगर सेल में नंबर है तभी रिटर्न करेगा, अदरवाइज रिटर्न नहीं करेगा, ये आपका एरर रिटर्न करता है। सीट आपका बताता है कि कौन से सीट नंबर पे, जैसे 5 पे है तो 5 दिखा देगा, सीट्स कितने नंबर ऑफ सीट्स है वो दिखाता है, टाइप आपने सेल के अंदर में कौन सा वैल्यू टाइप किया हुआ, टेक्स्ट, लॉजिकल, एरर, एरर एरे या कोई और, तो नंबर्स रिटर्न करता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन फॉर्मूला सिंगल आपको समझ में नहीं आएगा, बट किसी और एग्जाम्पल के साथ इसका अच्छा खासा रोल है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया तो इसमें आप क्या करें बैठ के, अभी जो है डेटाबेस फॉर्मूले और इंफॉर्मेशन फॉर्मूले, सबको एक सारे फॉर्मूले को एक बार अप्लाई करके आप देख लें, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और ये खुद अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको आगे नहीं बता रहा आपको, तो सारे अप्लाई करके देख लें, जो समझ में ना आए मुझसे आपको कल पूछ लीजिएगा, कल हम लॉजिकल फाइनेंशियल फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी सर। तो इसको एक बार अपने हिसाब से लगा के देखिए, फिर हम बात करते हैं आगे, तो डाउट वगैरह, और आपकी जो है ना ये फाइल वाली, वो फाइल भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है सर जी सर।